हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएएस। दोस्तों, एनवायरनमेंट की सीरीज़ के अंदर आज हम चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखने वाले हम कोरल रीफ के बारे में। तो सबसे पहले कोरल रीफ के बारे में, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, कोरल रीफ। तो इन दोनों वर्ड्स, कोरल अलग चीज़ है, रीफ अलग चीज़ है, साथ में मिला के कोरल रीफ बनता है। तो कोरल क्या है? कोरल एक एनिमल है, ठीक है। कोरल एक एनिमल है जो कि रीफ बनाता है, इसीलिए इसको कोरल रीफ बोलते हैं। तो कोरल क्या चीज़ है? कोरल मैरीन मतलब समुद्र के पानी में, खारे पानी के अंदर रहने वाला एक इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके हिसाब से इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इनके अंदर हमारे पास जो बैकबोन होती है वो एब्सेंट होती है, तो इनवर्टिब्रेट है। और ये फाइलम निडेरिया से ताल्लुक़ रखता है। टिपिकली लिव इन कम्पैक्ट कॉलोनीज ऑफ मैनी आइडेंटिटी इंडिविजुअल लाइक पोलिप्स। तो ये पोलिप की फॉर्म के अंदर रहता है, एक ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, जो पोलिप्स की फॉर्म के अंदर रहेगा और वो सीडेंट्री होगा, मतलब एक ही जगह पे चिपका रहेगा, पूरी ज़िंदगी एक ही जगह पे बिता देगा। तो कोरल क्या है? कोरल एक इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। कोरल एक मैरीन ऑर्गेनिज्म है, एक मैरीन एनिमल है जो कि कॉलोनी में रहेगा, मतलब साथ साथ रहेंगे बहुत ज़्यादा ये, ठीक है, हज़ारों लाखों के हिसाब से इकट्ठे कॉलोनी बना के रहेंगे। और ये पोलिप की फॉर्म के अंदर रहेगा, जिस फॉर्म के अंदर ये कॉलोनी बना के रह रहा है उसको बोलेंगे पोलिप। और ये कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करता है जो कि इनका हार्ड स्केल्टन बनाता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो सीक्रेट कर रहा है, कुछ टाइम बाद जो कोरल्स होंगे वो मर जाएंगे, लेकिन वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्केल्टन है वो वैसे ही रह जाता है वहाँ पे। फिर नए कोरल आएंगे, फिर उनका स्केल्टन वैसे ही रह जाएगा, ये एनिमल है उनके स्केल्टन रह जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से ये रीफ बना देगा, एक पूरा इकोसिस्टम बना देगा। और फिर इसके अंदर ये जो कोरल रीफ्स होंगे उनके अंदर ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जो ऊपर फ्रेश कोरल होंगे उनके पास में ऑर्गेनिज्म रहेंगे, तो उस टाइप का ये इकोसिस्टम बनता है। तो कोरल हमने समझा, कोरल रीफ के अंदर दो कंपोनेंट, एक है कोरल। तो कोरल क्या है? कोरल एक ऑर्गेनिज्म है, मैरीन ऑर्गेनिज्म है, पानी के अंदर रहने वाला, जो कि कॉलोनी के अंदर रहता है पोलिप की फॉर्म में। जिस फॉर्म के अंदर वो रहता है उसको पोलिप बोला जाता है, ठीक है। ये अलग अलग काइंड की, मतलब जो निडेरिया फाइलम है उसके अंदर होती है ये डिफरेंशिएशन, पोलिप एंड जो अदर होता है वो मोबाइल होता है, वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये पोलिप की फॉर्म के अंदर रहता है, ये सीडेंट्री होगा, एक ही प्लेस के ऊपर रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करेगा जो कि हमारा रीफ्स बनाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ये रीफ्स बना देगा तो उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कोरल रीफ। तो कोरल रीफ क्या है? कोरल रीफ एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है जो कि करैक्टराइज किया जाएगा रीफ बिल्डिंग कोरल के द्वारा। तो कोरल एक ऑर्गेनिज्म है जो कि रीफ्स बनाएगा। जब ये रीफ बना देगा तो उसके बाद यहाँ पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, छोटी छोटी फिशेज और भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इनके अंदर रहेंगे, तो फिर बनाएंगे पूरा इकोसिस्टम। तो कोरल रीफ की बात करेंगे तो कोरल रीफ एक अंडर वाटर, पानी के अंदर रहने वाला एक पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है, जिसके बनाया जाएगा रीफ बिल्डिंग कोरल के द्वारा। कोरल कॉलोनीज बनाते हैं, पोलिप की फॉर्म के अंदर रहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं जिससे ये रीफ्स की क्रिएशन करते हैं। तो कोरल की बात करेंगे, इस टाइप के हमें ऑर्गेनिज्म दिखेंगे कोरल, ठीक है। ये इनका खुद का कलर नहीं होता, जो इनको कलर दिख रहा है वो एल्गी का कलर होता है इनके ऊपर। एल्गी के साथ में सिम्बायोसिस, एसोसिएशन में रहते हैं, साथ साथ में रहते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। और जब मरेंगे तो नीचे नीचे करके ये रीफ्स क्रिएट कर देंगे, इसी तरीके से नीचे कैल्शियम कार्बोनेट के ढेर लगा के रीफ्स बना देंगे जिनके अंदर इस टाइप के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म अंदर रहेंगे, ठीक है। उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, एक इकोसिस्टम मिलता है उनको जहाँ पे ये फिशेज होती हैं, ब्रीडिंग करना पसंद करती हैं, तो न्यूट्रिएंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा कैप्चर होते हैं यहाँ पे। कोरल देख लिया, कोरल एक ऑर्गेनिज्म है, जब वो रीफ बनाता है तो वो कोरल रीफ कहलाता है। फिर हमारे पास ये रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जूज एंथेले एल्गी है एक, उसके साथ में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करवा रहे हैं। तो जो एल्गी है वो कोरल के साथ रहती है और उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है, क्योंकि जो जैसा हमने देखा ये एनिमल है, कोरल एक एनिमल है, तो एनिमल फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं है, फोटोसिंथेसिस करने का काम प्लांट्स का होता है। तो यहाँ पे एल्गी हमारे पास इसको फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रही है, और कोरल इन टर्न उनको क्या करता है, एक प्रोटेक्टेड सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है एल्गी को, एंड सेकंड उनको एक एडिक्वेट हाइट प्रोवाइड करवाता है, जो बेस होता है समुद्र का बेस होता है उससे थोड़ी सी एक हाइट प्रोवाइड करवाता है ताकि एल्गी जो है उसको लाइट मिल सके, ताकि वो एडिक्वेट लाइट मिल सके और वो फोटोसिंथेसिस करके खुद भी जिंदा रह सके और कोरल को भी प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट जैसे हमारे पास अर्थ के ऊपर होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो उनकी करैक्टर क्या है, वो काफ़ी घने होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, जैसा हमने पीछे बायोम देखा था, तो ट्रॉपिकल बायोम की बात हो रही है यहाँ पे।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, तो उनकी बात हो रही है। उनके अंदर कितनी डाइवर्सिटी थी, वहाँ पे देखा था हमने कि स्ट्रेटिफिकेशन भी थी, ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के अंदर प्रेजेंट थे। वैसे ही ये समुद्र के रेन फॉरेस्ट कहा जाता है इनको, ठीक है, कोरल्स को, क्योंकि 0.1% मतलब इससे भी कम एरिया पूरे समुद्र का कैप्चर करते हैं। और अगर बात करेंगे यहाँ पे 25% ऑफ ऑल मैरीन स्पीसीज पाई जाती हैं, जितनी मैरीन स्पीसीज हैं वो इतने से एरिया के अंदर पाई जाती हैं, तो तभी इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोला जाता है। इस टाइप के देखेंगे ब्यूटीफुल कलर के, जो कलर दिख रहा है वो एल्गी की वजह से है। जब ये एल्गी जो है इनके साथ में एसोसिएशन में रहना बंद कर देगी, जैसे अगर इनके ऊपर स्ट्रेस पड़ती है कोई, अगर पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो इनका ऑप्टिमल एक कंडीशन है, जब वो डिसरप्ट होगी तो उसकी वजह से जो एल्गी होगी वो साथ देना छोड़ देगी इनका। जब वो बाहर निकलना शुरू करेगी एल्गी, तो इनका जो कलर है वो इनको कलर देना छोड़ देंगी, जिसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। वो आगे देखने वाले हैं, अभी तक सिर्फ कोरल के बारे में समझो। अब देखते हैं कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन में ये रह सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा कोरल ब्लीचिंग जो होती है वो कौन सी कंडीशन ख़त्म हो जाए तो कोरल ब्लीचिंग होती है। तो सूटेबल कंडीशन क्या क्या है इसके लिए, एक तो स्टेबल क्लाइमेट होना चाहिए, ऐसा नहीं एकदम सर्दी हो गई एकदम गर्मी हो गई। तो अगर बात करेंगे स्टेबल क्लाइमेट की, पानी के अंदर तो वैसे भी स्टेबल ही होता है क्लाइमेट, पानी जो है हीट करने के लिए पानी को ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, ठंडा होने के लिए भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो कंडीशंस हैं इसको स्टेबल चाहिए होती है कोरल्स को, ये मेनली ट्रॉपिकल वाटर के अंदर थ्राइव करते हैं, जहाँ पे क्योंकि इनको हीट भी चाहिए, जैसे इनको 22-25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है इनके लिए। तो शैलो वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे सनलाइट को कैप्चर करेंगे, सनलाइट को कैप्चर कौन करेगा, एल्गी खाना बनाएगी, ठीक है। तो उनके लिए ज़रूरी है शैलो वाटर में होना चाहिए ये, फिर क्लियर होना चाहिए वाटर क्लियर होना चाहिए, कोरल नीड क्लियर वाटर दैट लेट द सनलाइट थ्रू। तो जो एल्गी है उसको सनलाइट की ज़रूरत है, उसी के लिए ये शैलो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, शैलो वाटर में प्रेजेंट होंगे। सेकेंड, जो वाटर है वो क्लियर होना चाहिए ताकि सनलाइट अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए। अगर वाटर ओपेक होता है, अगर वहाँ पे सेडिमेंट्स वगैरह, अगर मड वगैरह जमा हुई है, या जैसे हमारी रिवर है, रिवर का माउथ है वो सी के पास मिल रहा है, यहाँ पे रिवर जो है काफ़ी सेडिमेंट वगैरह इकट्ठे करके लेके आएगी, तो यहाँ पे जो कोरल्स है इसका उपलब्ध होना, यहाँ पे कोरल का प्रोड्यूस होना मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल है। हालांकि कुछ केसेस में देखा गया है यहाँ पे भी, लेकिन जो जर्नलिन का करैक्टर बताया जाता है उस हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे एक तो फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोरल को थोड़ा सॉल्टी वाटर पसंद होता है, ब्रैकिश वाटर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक तो सेडिमेंट्स आएंगे, ऊपर से हमारा फ्रेश वाटर आएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रिवर्स होती हैं उनके माउथ के ऊपर कोरल क्यों नहीं प्रेजेंट होते, तो आप दो रीज़न वहाँ पे बताओगे। एक तो इनको क्लियर चाहिए सेडिमेंट वगैरह जो कि लेके आते हैं रिवर वगैरह, वैसा एनवायरनमेंट ये टॉलरेट नहीं कर पाते। सेकंड, एक इनके लिए वाटर क्लियर चाहिए, दूसरा है वहाँ पे फ्रेश वाटर की संख्या ज़्यादा होती है, अगर फ्रेश वाटर वहाँ पे ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से जो कोरल्स हैं इनके लिए जो कंडीशन होती है वाटर की वो थोड़ा ब्रैकिश वाटर की होती है, तो इसी वजह से ये जो रिवर्स होती हैं उनके माउथ पे नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है शैलो वाटर, ताकि इनको गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल सके। फिर आता है पॉल्यूशन, तो ये पॉल्यूशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा इनटॉलरेंट होते हैं, अगर पॉल्यूशन ज़रा भी बढ़ता है तो कोरल जो हैं उनके ऊपर कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होता है इसका, मतलब इन में मतलब जो कोरल्स हैं उनकी ब्लीचिंग वगैरह शुरू हो जाती है, तो ये टॉलरेट नहीं कर पाते पॉल्यूशन को, तो पॉल्यूशन इनसे काफ़ी दूर होना चाहिए। इसी वजह से जो कोरल हैं एज अ इंडिकेटर एक्ट करते हैं पॉल्यूशन के। अगर आपको किसी प्लेस के ऊपर हेल्दी कोरल मिल जाते हैं तो उसका मतलब है कि वहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल कम है या वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, तो ये सब चीज़ें एज अ इंडिकेटर ये काम करते हैं। अगर वहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह होगा तो कोरल जो है ब्लीच करना शुरू कर देंगे, उससे आप एनवायरनमेंट का पता लगा सकते हो उस प्लेस का। नेक्स्ट है सॉल्ट वाटर, तो कोरल नीड सॉल्ट वाटर टू सर्वाइव एंड रिक्वायर अ सर्टेन बैलेंस इन द रेशियो ऑफ सॉल्ट टू वाटर। तो इनको सॉल्टी वाटर चाहिए, ज़्यादा सॉल्टी भी नहीं होना चाहिए, जो ब्रैकिश टाइप का वाटर होता है उस टाइप का वाटर इनको मिलना चाहिए। अगर पानी जैसे रिवर है वहाँ से फ्रेश वाटर आ रहा है तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। सेकंड, अगर जो सी लेवल राइज होता है और पूरा हमारा सॉल्टी वाटर हो जाता है, अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होती है और सी में सॉल्ट का कंटेंट अगर इंक्रीज होगा तो भी कोरल के लिए हार्मफुल होगा वो, ठीक है। दैट इज़ वाई कोरल डोंट लीव इन एरिया वेयर रिवर ड्रेन फ्रेश वाटर इन टू द ओशियन। तो ऐसी एरिया पर प्रेजेंट नहीं होते जहाँ पर जो रिवर्स होती हैं वो फ्रेश वाटर लेके आती हैं ओशियन के ऊपर। तो ये दो रीज़न हमने पहले देख लिए। टू टाइप के कोरल होते हैं, हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल। ओनली जो हार्ड कोरल हैं वही सिर्फ रीफ बनाते हैं, जो हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट से रीफ बना रहे थे, वो सब चीज़ें सिर्फ हार्ड कोरल के द्वारा बनाई जाती हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द कोरल रीफ हैं वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है जिसके द्वारा बोला गया कि डीप वाटर के अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर जो कोरल हैं वो ज़्यादा हैं ट्रॉपिकल वाटर के कोरल से। तो अभी के
हिसाब से अगर देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द कोरल हैं वो ट्रॉपिकल वाटर और सब ट्रॉपिकल वाटर में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपोजिट बोला जा रहा है इसके द्वारा कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट UNEP की रिपोर्ट है वो बोलती है कि मोर कोरल कोल्ड वाटर के अंदर में, मतलब डीप ओशन के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीफ। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कोरल रीफ। तो अलग अलग टाइप की कोरल रीफ होंगी, फर्स्ट है फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटोल रीफ। तो ये इनका इवोल्यूशन भी बता रहा है कैसे इनकी क्रिएशन होती है, कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट आता है फ्रिंजिंग रीफ, ये डायरेक्टली अटैच्ड होगा शोर से या बॉर्डर से। जैसे मान लो ये कोस्ट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे पानी होगा तो ये डायरेक्टली कोस्ट लाइन से अटैच होंगे, यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन हुई होगी, तो फ्रिंजिंग रीफ है ये। नेक्स्ट है थोड़े टाइम बाद जो ये एरिया है इसका इरोजन अगर स्टार्ट होगा, ठीक है, कोरल इसका इरोजन नहीं कर रहे बट इरोजन इसका अपने आप स्टार्ट हो रहा है कुछ कई सालों बाद, थाउजेंड ऑफ ईयर के बाद अगर ये जो है यहाँ से इरोजन स्टार्ट होता है और यहाँ पे वाटर से भर जाता है, ये कोरल जो होंगे वो अंडर वाटर डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ, तो उनका जो इकोसिस्टम है यहाँ पे डेवलप हो रहा है, यहाँ जैसे इरोजन हो गया, ठीक है, इस एरिया में इरोजन हुआ तो यहाँ पे वाटर भर गया, जहाँ पे इरोजन हुआ मिट्टी नीचे चली गई, कोरल रीफ हमारे डेवलप हो रहे हैं पानी के अंदर। तो ये जो वाटर की बॉडी बनेगी शैलो इसको बोलेंगे लैगून, और ये जो हमारे पास साइड में बना ये मेन लैंड से एक बैरियर से सेपरेट है, तो लैगून से सेपरेट है इसके लिए इसको बैरियर रीफ बोलते हैं। और जब ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा यहाँ वाला एरिया, ठीक है, जो लैंड का एरिया कोस्टल एरिया बोल रहे हैं हम, या एक वॉल्केनो है, जब वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा तो ये जो है उसको बोलेंगे अटोल रीफ। तो इसको आगे देखते हैं, फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है, डायरेक्टली अटैच टू द शोर और बॉर्डर उसके साथ अटैच होगा, बैरियर रीफ सेपरेट कर दिया गया है एक मेन लैंड को किसी लैगून के द्वारा, मतलब वाटर बॉडी के द्वारा। अटोल क्या होता है, अटोल मोर और लेस सर्कुलर और कंटिन्यूस बैरियर रीफ एक्सटेंडेड ऑल द वे अराउंड द लैगून विदाउट अ सेंट्रल आइलैंड। जो हमने देखा वो तीन तरीके से यहाँ पे देखिएगा आपको, मतलब किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ इसका। फर्स्ट एक्टिव वॉल्केनो, तो ये आप वॉल्केनो मान सकते हो, ये वॉल्केनो इसका शोर है और इसको आप कोस्ट भी मान सकते हो कि कोस्ट के पास में डेवलप है। तो कोरल जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होंगे इसके आसपास, जो आपको लाइंस दिख रही हैं यहाँ पे डेवलप होगा स्टार्ट होंगे जब ये इसके साथ में चिपके होंगे, वॉल्केनो के साथ में चिपके हुए हैं, तो इसको बोलेंगे फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है, ये इन चिपके हुए हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, तो उसके साथ में चिपके हुए तो इनको बोलेंगे फ्रिंजिंग रीफ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोजन स्टार्ट होगा इस वॉल्केनो का, इसकी जो मिट्टी है वो सेडिमेंट्स नीचे चले जाएंगे, तो जब ये सेडिमेंट नीचे चले जाएंगे, जो इसका साइज है वो कम हो गया, अब इसके सेडिमेंट नीचे चले गए, वहाँ पे पानी भर गया, कोरल जो हैं भी अंडर वाटर डेवलप हो रहे थे, ठीक है, ये डेवलप होते ही रहते हैं, जब ये डेवलप हो जाते हैं इतने ज़्यादा डेवलप हो गए, यहाँ पे जो वाटर की बॉडी उनको सेपरेट कर रही है मेन वॉल्केनो से उसको बोलते हैं लैगून। तो जब मेन हमारी टेरिटरी से जो कोरल हैं वो सेपरेटेड हैं एक वाटर की बॉडी से जिसको लैगून बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं बैरियर रीफ, क्योंकि इनके बीच में बैरियर क्रिएट हो गया है। अब कुछ टाइम के बाद जो मेन हमारा वॉल्केनो है वो जो है पूरी तरह इरोड हो जाएगा, वो जमीन पानी के अंदर चला जाएगा, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इरोड हो गया कम्प्लीटली। तो जो हमारा यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हुआ था कोरल रीफ वो तो वैसे ही कंटिन्यू रह गया वहाँ पे, ठीक है, वो वैसे ही रह जाता है। तो उसकी वजह से जब वॉल्केनो नीचे चला जा रहा है हमारा तो उसको बोलेंगे अटोल। तो तीन स्टेजेस के अंदर हमने तीन टाइप भी देख लिए, इवोल्यूशन भी देख लिया, पहले नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल हमारे पास में कोस्ट है या हमारे पास में वॉल्केनो है समुद्र के अंदर बना हुआ या कोई आइलैंड है समुद्र के ऊपर। जब फर्स्ट जो टाइप होगा इवोल्यूशन के हिसाब से, फर्स्ट जो कोरल का टाइप होगा वो होगा फ्रिंजिंग रीफ, जो कि उसके साथ साथ में डेवलप होगा। कुछ टाइम बाद जब इरोजन स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर वॉल्केनो के अंदर, तो वॉल्केनो का जो मिट्टी है वो नीचे चली गई। अब जब वो नीचे चली गई तो कोरल तो अपने प्लेस के ऊपर ही है, वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन नीचे चले जाने की वजह से वहाँ पे पानी आ जाता है जिसको लैगून बोला जाता है, और ये बैरियर क्रिएट करता है इसलिए इसको बैरियर रीफ बोलते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा वॉल्केनो है कम्प्लीटली अंदर चला जाएगा और जो हमारे पास बच जाएगी रीफ उसको बोलेंगे अटोल। तो ये हमारी इवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेप ये आएगा, फिर सेकंड ये आएगा, थर्ड ये आएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कोरल रीफ के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास लार्जेस्ट, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा। तो ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, तो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दो तीन मैंने सिर्फ उनके नाम इंक्लूड किए हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ लार्जेस्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर। नेक्स्ट है रेड सी फ्रिंजिंग रीफ, तो ये बैरियर रीफ है, ये फ्रिंजिंग रीफ है। अगर रेड सी के अंदर जो कोरल रीफ है वो यहाँ पे प्रेजेंट है कोस्ट के ऊपर, ठीक है, रेड सी प्रेजेंट है हमारे पास, इजिप्ट है और सऊदी अरेबिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक कैनाल भी है,
तो उसका नाम आप बताओगे कौन सी कैनाल की बात हो रही है। अब रेड सी के बारे में देख लिया, ग्रेट बैरियर रीफ देख लिया, नेक्स्ट आता है एक हमारे पास एपो रीफ जो कि है फिलीपाइंस के अंदर में और ये सेकेंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ, ये सेकेंड लार्जेस्ट है और यहाँ पे आइलैंड है मिंदोरो आइलैंड, इस आइलैंड के पास में ये प्रेजेंट है। तो आपको नाम याद रखने हैं बस, ग्रेट बैरियर रीफ, एपो रीफ और रेड सी वाला, उसका तो आपको पता ही चल जाएगा। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या है कोरल की। अब कोरल की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम नीचे क्रिएट किया है और ऐसा नहीं है सिर्फ ये पतले पतले से प्लांट्स हैं, इन्होंने रीफ्स क्रिएट की हुई हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। तो अब वो जो रीफ्स होती हैं वो एज अ बैरियर एक्ट करती हैं, अगर इरोजन होना होता है कोस्ट का, समुद्र की तरफ से जो लहरें आएंगी उनकी वजह से जो इरोजन होता है उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं ये शैलो वाटर के अंदर, ये कोस्ट के पास में प्रेजेंट हैं, या हमारे आइलैंड का इरोजन जो है ये रोकेंगे तो उसको रोक सकते हैं। स्टॉर्म जो आते हैं उनकी स्पीड को कम कर देंगे, जो उनकी वेव्स होंगी उनको तोड़ेंगे, उनकी स्पीड को कम कर देंगे, जैसा मैंग्रोव्स कर रहे थे, मैंग्रोव से मैंग्रोव के आसपास भी होते हैं ये प्रेजेंट, तो ये जो हैं स्टॉर्म की स्पीड को कम कर देंगे, तो हमारे कोस्ट को प्रिवेंट कर रहे हैं, हमारे लिए जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ठीक है, हरिकेन आएगा, स्टॉर्म्स होगा, उन सबको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिशिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है क्योंकि जैसा मैंने बताया कोरल रीफ काफ़ी प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड की फिशेज होती है, प्रेजेंट होती हैं और ये कोस्ट की साइड में प्रेजेंट है जो कि एक स्टेबल सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं ये, जिसकी वजह से जो फिशेज होती हैं वो वहाँ पे अपने बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है, स्पॉनिंग के लिए उस प्लेस के ऊपर आती हैं, तो न्यूट्रिएंट में भी ये एरिया रिच होता है और फिशेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो फिशिंग वगैरह फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप होती है। ठीक है, द फिशिंग इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द कोरल रीफ बिकॉज मैनी फिशेज स्पॉन देयर एंड जुविनाइल फिश स्पेंड देयर टाइम बिफोर मेकिंग देयर वे टू ओपन ओशियन। ठीक है, तो ओपन ओशियन जाने से पहले एक तो स्पॉन करती है वहाँ पे, पैदा करती हैं, उसके बाद में जो उनकी जुविनाइल्स होती हैं वो वहाँ पे थोड़ा टाइम रेस्ट भी करती हैं, तो वो काफ़ी अच्छा होता है फिशिंग इंडस्ट्री के लिए। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया का, जो हमने अभी देखा, वो $1.5 बिलियन एवरी ईयर ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को देता है, फिशिंग से भी और टूरिज्म से भी, तो मतलब काफ़ी प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है ये। नेक्स्ट है कैल्शियम को प्रोड्यूस करते हैं, अब जैसा हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट की ये जो है रीफ्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो है जब कोरल माइनिंग की जाती है, कोरल की माइनिंग के अंदर जो रीफ्स होती हैं उनको निकाला जाता है बाहर और उनको लाइमस्टोन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तो इन सब कामों के लिए कोरल को माइन किया जाता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये मैंग्रोव्स के लिए एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करते हैं, मतलब अगर मैंग्रोव ट्री के पास में प्रेजेंट हैं तो उनके जो बॉटम होगा वहाँ पे प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे अगर फिशेज वगैरह आती हैं जो कोरल के लिए अट्रैक्टेड आएंगी, एक तो मैंग्रोव क्या करेंगे इनको, मैंग्रोव इनको एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाएंगी, मैंग्रोव्स के पास में कैपेबिलिटी होती है कि वो अगर एसिडिक हो जाता है वाटर या एनवायरनमेंट उनके सराउंडिंग का, उसको वो जो है लो कर सकते हैं, मतलब बेसिक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो कोरल्स हैं वो एसिडिक जो एनवायरनमेंट होता है उनको झेल नहीं सकते, अगर ये मैंग्रोव के साथ में रहते हैं कोरल तो एसिडिक एनवायरनमेंट को जो मैंग्रोव्स हैं वो मैनेज कर लेते हैं, तो मैंग्रोव्स इनको बेनिफिट देते हैं। नेक्स्ट इन टर्न ये क्या करते हैं, जैसे कोरल रीफ काफ़ी रिच होता है नाइट्रोजन के अंदर में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में, तो इन सब चीज़ों के अंदर न्यूट्रिएंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फिशेज होती हैं उनका एक्सक्रीटा, तो उन सब चीज़ों के कारण ये सबस्ट्रेट प्रोवाइड करवाता है मैंग्रोव्स को, तो मैंग्रोव्स को न्यूट्रिशन भी मिलती है, वो इन टर्न इनको जो हमारा सी लेवल, सी का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब ज़्यादा हीट से इनको बचाते हैं, एसिडिक टेम्परेचर होने, एसिडिक एनवायरमेंट होने से बचाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं और ये हैबिटेट है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मिलियंस ऑफ टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारी इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट है मेडिसिन, मेडिसिन के लिए भी यहाँ पे जो रीफ्स होते हैं वो होम होते हैं, स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट काइंड की स्पीसीज यहाँ पे मिलती हैं और यहाँ से उन स्पीसीज से फार्मास्यूटिकल के लिए प्रोडक्ट वगैरह तैयार किए जाते हैं जो कि मेडिसिन के अंदर यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कोरल ब्लीचिंग, तो कोरल हमने अभी तक क्या देखा, कोरल एक ऑर्गेनिज्म है, कोरल एक इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है जो कि निडेरिया फाइलम से बिलोंग कर रहा है, जब वो कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करके रीफ्स की क्रिएशन करेंगे थाउजेंड ऑफ ईयर के अंदर। अब बात करते कोरल ब्लीचिंग की, तो कोरल क्या थे, कोरल इस टाइप के, ये हमारा कोरल था, इसके साथ में ज़ूसेंथेले एल्गी लगी हुई है, ठीक है, तो ये हेल्दी कोरल है, ये आया स्ट्रेस्ड कोरल, ठीक है, इसको स्ट्रेस हो जाती है तो स्ट्रेस के अंदर इनको ये लूज करना शुरू कर देगा, जो हमारी यहाँ पे ज़ूसेंथेले दिख रही है उनको लूज़ करना इसने शुरू कर दिया और जब ये ब्लीच हो जाएगा कम्प्लीटली तो इस टाइप का दिखेगा, मतलब अपना कलर खो देगा ये,
और थोड़े टाइम बाद ये मर जाएगा, क्योंकि जो एल्गी है इसको खाना प्रोवाइड करवा रही है, तो उसकी वजह से ये थोड़े टाइम बाद ये मर जाएगा। कोरल ब्लीचिंग, तो कोरल ब्लीचिंग अकर व्हेन कोरल पोलिप्स, जो हमारा कोरल का एनिमल है जो कि पोलिप फॉर्म के अंदर रह रहा है, वो एक्सपेल कर देता है ज़ूज़ेंथेले एल्गी को, उसको बाहर निकाल देता है जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रही थी, 90% न्यूट्रिशन। अदर ये जो प्लैंकटन्स हैं उनको ट्रैप भी करते हैं, कोरल रीफ जो होते हैं, कोरल्स होते हैं, ठीक है, बट 90% न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाई जाती है एल्गी के द्वारा। तो अगर एल्गी नहीं रहेगी तो इनकी भी डेथ हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद, तो इस एल्गी को ये एक्सपेल कर देते हैं क्योंकि इनके ऊपर स्ट्रेस पड़ती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग। एल्गी प्रोवाइड 90% ऑफ कोरल एनर्जी। और अगर कोरल ब्लीचिंग की बात करेंगे तो ये कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है कि मतलब जो काफ़ी सालों बाद होता है, ये कंटिन्यूसली अगर देखेंगे तो हर साल किसी ना किसी रीफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, उसने मास ब्लीचिंग एक्सपीरियंस की। अगर ये थोड़ी क्वांटिटी में हो तो साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर कम क्वांटिटी के अंदर स्ट्रेस इनके ऊपर पड़ रही है और एक बड़ा सा रीफ है उसमें थोड़ा सा अगर हिस्सा है वहाँ पे अगर स्ट्रेस पड़ रही है, थोड़ी बहुत कोरल ब्लीचिंग हो रही है, तो वो हेल्दी होती है। उससे थोड़े बहुत स्ट्रेस पड़ने की वजह से जो कोरल हैं वो जिस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होती है, उसी तरीके से इनके अंदर भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, और फिर लेटर ऑन जब इनके ऊपर हैवी प्रेशर पड़ेगा तो उस टाइम इनको असर नहीं होगा, लेकिन जब मास स्केल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो इस टाइप की जब ब्लीचिंग होती है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाती है तो ये इररिवर्सिबल होती है। अगर थोड़ी में हो तो इसको रिवर्स करके फिर से यहाँ पे लेके आया जा सकता है, लेकिन अगर मास स्केल के ऊपर हो बहुत ही ज़्यादा तो उसके बाद इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसने कोरल ब्लीचिंग महसूस की 1980s में, 82 के अंदर, 92 के अंदर, 94, 98, 2002, 2006, 16, 17, तो मतलब रिसेंट के अंदर भी इनके अंदर कोरल ब्लीचिंग, मास स्केल के ऊपर कोरल ब्लीचिंग देखी गई। और 60% ऑफ द कोरल इन द मालदीव हैज़ सफर्ड ब्लीचिंग इन 2016। तो उसके बाद अगर कम स्केल के ऊपर हो तो ये रिवर्स कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्तर पे हो, ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर पड़ता है, पॉल्यूशन वगैरह होता है, तो उसके बाद ये रिवर्स नहीं कर सकते। और इम्पॉर्टेंस हमने इनकी देख ली कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोरल हमारे लिए, तो अगर इनकी ब्लीचिंग होती है तो काफ़ी बड़ा इशू होगा। अब आता है कंसेप्ट कि ये कॉज क्यों होती है, तो कॉज करने का सिंपल सा रीज़न है, जो हमने इसकी कंडीशन देखी, जो ऑप्टिमम कंडीशन देखी हमने कोरल के लिए, जिसके अंदर देखा क्लियर वाटर होना चाहिए, टेम्परेचर एडजस्टेड होना चाहिए, स्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो अगर उन पोजीशन के अंदर जो कंडीशंस हैं उनके अंदर अगर कोई इशू क्रिएट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोरल ब्लीच करेंगे, ठीक है। तो जर्नल सा यहाँ पे देखते हैं, एलिवेट सी टेम्परेचर, तो इनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये रहते हैं, अगर सी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ओशियन एसिडिफिकेशन, तो ओशियन की एसिडिफिकेशन होती है मेनली CO2 के द्वारा, क्योंकि CO2 ओशियन का, ओशियन के अंदर CO2 बहुत बड़ा रिजर्वायर है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से जो ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी है ओशियन के अंदर भी CO2 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जा रही है, उसकी वजह से CO2 वहाँ पे कार्बोनिक एसिड बना के ओशियन को एसिडिफाई कर रही है। ये सेपरेट टॉपिक आएगा, एसिडिफिकेशन क्या होती है कंप्लीट टॉपिक। तो एसिडिफिकेशन, एसिड की मात्रा बढ़ रही है CO2 की वजह से ओशियन के अंदर, अगर वहाँ पे एसिड की मात्रा बढ़ती है तो जो कोरल है उनके लिए हार्मफुल है। तभी तो मैंने बताया था आपको कि मैंग्रोव्स के साथ रह रहे हैं और मैंग्रोव्स के पास में कैपेबिलिटी है एसिड जो एनवायरनमेंट होता है उसको बेसिक में कन्वर्ट करने की। नेक्स्ट है सोलर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो जो सन से आने वाली रेडिएशन है वो हार्मफुल होती है कोरल्स के लिए। जब यहाँ पे हमने देखा ये ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट और सब ट्रॉपिकल में प्रेजेंट हैं, तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट कौन सा, बायोम्स के अंदर हमने देखा था जो ट्रॉपिकल हमारी इक्वेटर पास होती है वहाँ से, तो उसका क्या रिलेशन है इसके साथ में, सनलाइट यहाँ पे डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ईयर यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर के ऊपर जो लाइट्स हैं, जो रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ रही हैं, उसकी वजह से यहाँ का पानी ऊपर वेपर की फॉर्म में उड़ेगा, ऊपर कंडेंसेशन, बादल बनेंगे, बादल ज़्यादा बनेंगे तो सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, मतलब ये जो रेडिएशन है यूवी रेडिएशन वगैरह ये ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर पाएगी कोरल्स को, ठीक है, तो उसी की वजह से कोरल प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन जब हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से ट्रॉपिकल जो वेदर है वो भी चेंज हो रहा है, उसकी वजह से लेस क्लाउड बन रहे हैं, लेस क्लाउड बन रहे तो ज़्यादा रेडिएशन जो है कोरल के ऊपर डायरेक्टली पड़ रही है, उसकी वजह से कोरल की ब्लीचिंग हो रही है। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज, तो अगर कोई बीमारी होती है, बीमारी हो सकती है या तो कोरल को या तो फिर एल्गी को, अगर दोनों में से किसी को भी होगी तो कोरल तो मरेगा ही मरेगा, ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज लाइक कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया विब्रियो इनहिबिट फोटोसिंथेसिस इन ज़ूज़ेंथेले, तो ज़ूज़ेंथेले को अगर ये बीमारी हो जाती है एल्गी को तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो खुद तो मरेगा वो,
लेकिन कोरल को भी मार के जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इनकी एक्टिविटी बढ़ती है जब सी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। अगर सी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे कोरल्स को। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। जैसे मैंने बताया क्लियर वाटर चाहिए होता है कोरल को, अगर सेडिमेंटेशन इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से भी, जैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वगैरह न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा एंटर हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर, तो उन कारणों से सेडिमेंटेशन ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इरोजन वगैरह कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं आसपास के एरियाज़ के अंदर में, सीवेज जो प्लांट्स होता है वहाँ से सीवेज डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से सेडिमेंटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट क्लीन ना होने की वजह से जो कोरल्स हैं उनकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है ह्यूमन इंड्यूस्ड थ्रेट लाइक ओवर फिशिंग। आप इकोसिस्टम को डिसरप्ट करोगे अगर आप ओवर फिशिंग वहाँ पे कर रहे हो। जितनी ज़्यादा वहाँ पे फिशेज मरेंगी वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जब इंटरडिपेंडेंट चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे उनको, तो पूरे इकोसिस्टम को असर होता है। एस्पेशली यूजिंग डैमेज प्रैक्टिस लाइक साइनाइड फिशिंग, जो साइनाइड डाल दिया जाता है जिसके द्वारा फिशेज मर जाती हैं, तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अलग ऑर्गेनिज्म भी मर जाते हैं जिनकी इकोनॉमिकली कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी वो मर जाते हैं फिशेज के चक्कर में। नेक्स्ट है पॉल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रन ऑफ। अगर ये पॉल्यूशन वगैरह एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह से वहाँ पे जाएगा तो क्या हो रहा है, जूस एंड थैले भी एल्गी है, जब इसकी क्वांटिटी ग्रो करेगी, जब जूस एंड थैले की क्वांटिटी जो है ग्रो करती है तो जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं कोरल्स को वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी नुकसान होता है। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रन ऑफ जाएगा तो सेडिमेंटेशन होगी, मतलब क्लियर वेदर नहीं रहेगा। अगर क्लियर टेम्परेचर क्लियर जो एनवायरनमेंट है वो नहीं मिलता कोरल्स को, तो उनको फिर से नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से अगर जो है मर्की सा एनवायरनमेंट बन जाता है वहाँ पे, तो सनलाइट डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी और नुकसान होगा इनको। कोरल की माइनिंग कर दी जाती है, जैसे मैंने बताया कोरल की माइनिंग कर ली जाती है सीमेंट के सब्स्टिट्यूट के तौर के ऊपर यूज़ करने के लिए, तो कोरल को माइन किया जा सकता है। अगर ज़्यादा माइन कर लिया जाए तो फिर से हमारे कोरल जो हैं उनको नुकसान पैदा होगा। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया नियर द कोरल इकोसिस्टम ऑल्सो कॉज। अब डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, जो पॉल्यूशन के लिए काफ़ी ससेप्टिबल हैं ये, पॉल्यूशन की लेवल अगर थोड़ी भी बढ़ेगी तो ये जो है कोरल के ऊपर स्ट्रेस देखी जा सकती है उसकी। जब इनके ऊपर स्ट्रेस होगी तो थोड़े टाइम बाद ये ब्लीच करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर कुछ न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन जैसे अमोनिया नाइट्रेट इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो जो जूस एंड थैले है वो दो तीन टाइम बढ़ जाएगी। जब ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो हमारे कोरल्स हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी डिजीज़ के लिए ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक तो जूस एंड थैले बढ़ेगी तो जूस एंड थैले की ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी बीमारियों के लिए, और साथ साथ में कोरल भी ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन कोरल आर एक्सपोज टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल कंटेमिनेंट्स लाइक कॉपर हर्बिसाइड्स ऑयल कोरल ब्लीचिंग हैपन। तो जैसे हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं, कोरल कॉपर हर्बिसाइड वगैरह ज़्यादा छिड़क रहे हैं, ऑयल स्पिल हो जाते हैं, ऑयल स्पिल की वजह से जो है इनको काफ़ी इशू होता है, तो इनकी वजह से कोरल की ब्लीचिंग हो सकती है। तो काफ़ी कॉमन सा टॉपिक था जो प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कोरल क्या होता है और इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, और जो भी यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर के ऊपर जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन देखने वाले हैं जो कि चैप्टर 5 है शंकर आईएएस का, तो उसके अंदर पॉल्यूशन के बारे में और एयर पॉल्यूशन के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।